दिल्ली में बैठकों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। 48 घंटों में दिल्ली में कई अहम बैठकें होनी है। शनिवार को नीति आयोग की पहली बैठक है और दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी और बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बीच यूपी को लेकर अहम बैठकें हो सकती हैं। चर्चा ऐसी भी है कि दिल्ली में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी सीएम योगी की अगले 48 घंटों में मुलाकात हो सकती है। यूपी में के जो दोनों सीएम और डिप्टी सीएम हैं, इसमें बृजेश पाठक और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे थे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में बृजेश पाठक भी गायब थे। सवाल यही है कि दोनों को बुलाया नहीं गया या फिर दोनों ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से दूरी बना ली। उधर केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी हार के बाद पल्लवी पटेल के साथ बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के मुलाकात और मीटिंग के बाद यह कौतूहल और बढ़ता हुआ नजर आया। मौर्य से मतभेद की चर्चाओं के बीच मीटिंग की टाइमिंग को लेकर सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल से मुलाकात के अटकलों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो कम हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में अगर पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अब पीएम मोदी किस तरीके से फैसले लेते हुए नजर आएंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से बैठक की जा रही है और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस दावे में इतना जमीनी सच देखने को नहीं मिल रहा। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संगठन की बैठक में संगठन से सरकार को बड़ा बताना, फिर सीएम योगी की समीक्षा बैठक में दोनों डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत दिलाते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे में अंदर खींचतान के बाद अब ये इशारा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव के ऑफर की जो टाइमिंग है और बीजेपी के अंदर मची कलेश को जोड़कर देखें तो सियासी तस्वीर साफ हो जाती है। मतलब ये बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उधर यूपी में परिवर्तन की चर्चाओं का सियासी बाजार भी गर्म हो गया। सियासी गलियारे में यह दावा सुनाई देने लगा कि यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह से योगी के ऊपर गाज गिर सकती है और नेता बदल दिया जाएगा। इन चर्चाओं को हवा दे दी केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने। बस फिर क्या था, अंदरूनी लड़ाई जमीनी सतह पर आती हुई नजर आई और इस बीच संगठन बनाम सरकार की लड़ाई में अखिलेश यादव की एंट्री हुई और उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध दिए। अब समझिए अखिलेश यादव ने तो मझे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह एक तीर से दो निशाने कैसे साधे। अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर का ऐलान करके यूपी में बीजेपी की सरकार की धड़कने बढ़ा दी। अपने ऑफर से संदेश दे दिया कि यूपी में असंतुष्ट विधायकों अगर बगावत करते हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार भी बना सकते हैं। मतलब यही है कि योगी से नाराज अगर नेता चाहे तो पूरा तख्ता पलट कर सकते हैं। अखिलेश ने दूसरा निशाना बीजेपी के घरेलू झगड़ों को लेकर दिल्ली बनाम लखनऊ के नैरेटिव से जोड़कर संदेश देने की यही कोशिश की और वहीं सीएम योगी को पद से हटाने का पूरा प्लान बना लिया गया। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब अगर योगी आदित्यनाथ को इस बार पद से हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो यूपी की सियासत है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी।